तो बच्चों आपके सामने आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ मेन चीज़ पहले पढ़ो। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में हो कि शहरी निर्धनता क्या है, ठीक है, तो देखो शहरी निर्धनता में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूरी पाने वाले श्रमिक आते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? झुग्गी व मलिन बस्तियों में, यानी गंदी बस्तियों में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक बात और ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर, और आगे देखो सबसे मेन चीज़, अगर मान लो अगला है ग्रामीण निर्धनता, तो इसका मतलब ये गांव में पाई जाती है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों का मतलब गांव के क्षेत्रों में भूमिहीन किसान, जिनके पास ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं होती, खेतिहर मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, लघु एवं सीमांत किसान, छोटे किसान, ठीक है ना, आते हैं। अगर क्वेश्चन हो शहरी निर्धनता और ग्रामीण निर्धनता में अंतर लिखिए, तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे शहरी निर्धनता शहरों में पाई जाती है, इसमें रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले आते हैं। ग्रामीण निर्धनता ये गांवों में पाई जाती है, इसमें भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर आते हैं। समझ गए ना, ये डिफरेंट हो जाएगा। आगे देखो कुछ और भी क्वेश्चन में ना, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये आपकी सपोर्ट से है, सपोर्ट मटेरियल से लिखा, निर्धनता से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ पर क्वेश्चन होता निर्धनता से क्या आशय है, निर्धनता से आप क्या समझते हो, निर्धनता किसे कहते हैं, तो शब्द अलग अलग है, या निर्धनता से क्या तात्पर्य है, तो सबका मतलब एक ही है, ध्यान रखना, नहीं कन्फ्यूज हो शब्द से, शब्द का मेन मतलब समझा करो, यही आपका आंसर होगा। जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना निर्धनता है, ठीक है, यही अभिप्राय है, यही आशय है, यही तात्पर्य है। दूसरे शब्द हम लिख सकते हो कि जीवन की आवश्यक जरूरतों का ना पूरा होना निर्धनता है, ठीक है ना, उसमें खाने के लिए नहीं मिल सकता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल सकते, रहने के लिए घर नहीं मिल सकता, ये सारी बातें उसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के स्वीकृत कैलोरी कितनी है? तो 2400 से 2100 है, ठीक है ना, 2400 से 2100 कैलोरी है। आगे देखो अगला, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक प्रयोग किया है? तो 1.90 डॉलर से कम ये आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चौथा क्वेश्चन, भारत में कौन सा वर्ग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है? अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां दोनों हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा, दोनों सही है, ठीक है। अगला, भारत में कौन से दो राज्य सर्वाधिक निर्धन हैं? बिहार और उड़ीसा, मतलब उड़ीसा, ठीक है। आगे देखो, मतलब सबसे ज़्यादा गरीबी है यहाँ पर। अगला, जैसे पंजाब और हरियाणा में निर्धनता की कमी आने के क्या कारण है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो मतलब क्या रीज़न है कि पंजाब में और हरियाणा में निर्धनता में कमी आ रही है? तो उच्च कृषि दर, यानी कृषि की जो दर है वो बढ़ गई है, ज़्यादा पैदावार हो रही है, फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ये रीज़न है। अगला, अमेरिका में वह व्यक्ति जिसके पास डैश नहीं है, कार नहीं है, ठीक है ना, वह व्यक्ति गरीब होता है जिसके पास कार नहीं होती, ठीक है, अमेरिका में ऐसे व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं होती। निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः कितने वर्षों के बाद होता है? तो 5, ठीक है। सारे क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना, ये सब छोड़ो, आगे बढ़ो, जो मेन है उनको देखो, ठीक है। यहाँ से इनके आंसर भी हैं, यहाँ से आप आंसर भी मैच कर सकते हो, ठीक है, फिलहाल मैंने समझा दिया है। आगे देखो, अब कुछ क्वेश्चन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये 3 नंबर वाले, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो आंसर इसका देखो, तो ये कंडीशन है निर्धनता रेखा का आकलन करने का भारत में। पहला, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, खाद्य आवश्यकता के आधार पर निर्धनता रेखा के आकलन का वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। तीसरा, 2011 से 2012 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह किया गया था, ठीक ना, इसी हिसाब से निर्धनता का आकलन किया जाता है। 3 पॉइंट हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 3 देखो, जिस पर
टिक किया गया। सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किन सूचकों के माध्यम से देखते हैं? असेसमेंट में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर देखो क्या लिखोगे। तो इसके आंसर में आप लिखोगे, ये तीसरे का है, पहला पॉइंट है निरक्षरता स्तर, दूसरा पॉइंट कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य के अवसरों की कमी, चौथा पॉइंट है रोजगार के अवसरों की कमी, पांचवा पॉइंट है सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता। ठीक है ना, ये क्या है, ये इसके आंसर हैं इतने। ठीक है, इसमें कोई तीन आपको याद करना है। तो निरक्षरता स्तर में है अशिक्षा, ठीक है ना, कुपोषण का मतलब कुपोषण के कारण जो रोग होते हैं प्रतिरोधी क्षमता में कमी होती है, और स्वास्थ्य के अवसरों की कमी मतलब अस्पताल की व्यवस्थाएं जगह जगह कम हैं, रोजगार के अवसरों की कमी, रोजगार बराबर नहीं मिलते, बेरोजगारी ज़्यादा है, पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, यही सब रीज़न है। ठीक है ना, सामाजिक के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो मेन है, करण निर्धनता के किन्हीं तीन कारणों को लिखिए, मतलब निर्धनता के तीन कारण कौन कौन से हैं जिससे निर्धनता बढ़ती है। आंसर देखो, इसके आंसर में लिखोगे, पहला भूमिहीनता, मतलब किसी किसी के पास ज़मीन ही नहीं है, परिवार का आकार, परिवार का जो आकार है बड़ा होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, कमाने वाले एक खाने वाले ज़्यादा, तो निर्धनता यानी गरीब हो जाता है वो परिवार। बेरोजगारी मतलब काम की कमी होती है, किसी को काम नहीं मिलता, इच्छा होती है काम करने की फिर भी बेरोजगारी ज़्यादा है तो रोज़गार नहीं मिलता, जिससे गरीबी यानी निर्धनता बढ़ती है। अगला निरक्षरता मतलब पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, चार पॉइंट हैं कोई इनमें से, ठीक है ना, तीन आपको लिखना है या जिस हिसाब से क्वेश्चन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो मैंने ये लिखा है, भारत में निर्धनता संबंधित चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखो, मतलब निर्धनता संबंधी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, आंसर देखो। इसके आंसर में लिखोगे, पहला पॉइंट न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय है बचत है वो कम है। दूसरा पॉइंट सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ठीक है ना, ये भी ज़रूरी है। तीसरा शिक्षा रोजगार व सुरक्षा उपलब्ध कराना, तो मतलब ये चुनौतियां हैं जो सबको नहीं मिल पाती। ठीक है ना, समझ में, तो कम से कम आय सबको उपलब्ध होना चाहिए, कुछ तो बचत करें हर महीने, पहला पॉइंट ये हो गया, पहली चुनौती। दूसरी सभी को स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध कराना चाहिए, यानी किसी किसी को स्वास्थ्य संबंधी सेवा, जैसे कि फ्री में इलाज होता है सरकारी में, या उनका कार्ड भी बन जाता है, ठीक है ना, इंश्योरेंस हो जाता है, लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, तो उस हिसाब से सरकारी प्राइवेट के हिसाब से सबको नहीं मिलता। शिक्षा रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, किसी को काम मिलता है किसी को नहीं मिलता है, शिक्षा के मामले में बहुत सारे भेदभाव हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें सबको उपलब्ध कराना एक प्रकार की चुनौती है। ठीक है ना, समझ में। अब इसमें दो पॉइंट बना सकते हो, शिक्षा उपलब्ध कराना, दूसरा रोजगार उपलब्ध कराना, तीसरा सुरक्षा उपलब्ध कराना, तीन पॉइंट इसी के बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मेन जो ये, किसी व्यक्ति को गरीब कम माना जाता है, ठीक है ना, आंसर देखो, आंसर नंबर इसमें लिखोगे सेवन में, किसी व्यक्ति को गरीब माना जाता है, पहला पॉइंट है जब उसकी आमदनी उसकी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाए, मतलब जो कमाता हो उससे उसका खर्च यानी घर ही ना चलता हो, ठीक है ना, तब वो गरीब है, मतलब कमाता हो, कहते हैं कि कमाई ठन्नी खर्च रुपया, ठीक है ना, तो 50 पैसे कमाता है एक रुपये खर्च होता है, पहला रीज़न हो जाएगा। दूसरा उपभोग का स्तर कम है, ठीक है ना, उपभोग का स्तर कम हो, समझ में आ, यानी जो उपभोग है जो यूज़ कर रहा है उसका भी स्तर कम है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से जो ज़रूरत है उतनी पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपने उपभोग पर भी वो कंट्रोल कर रखा है। तीसरा जब भुखमरी के साथ उसके पास आश्रय भी ना हो, ठीक है ना, तो ये तीनों क्या हैं, रीज़न है, समझ में आ, गरीब मानने जाने के। ठीक है ना, और भी पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो कि मान लो वो भूमिहीन हो, ठीक है, समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखो ध्यान से, भारत में निर्धनता दूर करने के तीन उपाय, ठीक है, मतलब कि निर्धनता जो गरीबी है, गरीबी ही निर्धनता है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर देखो, तो देखो इसके आंसर में क्या लिखोगे, भारत में निर्धनता दूर करने के तीन उपाय, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पहला जो पॉइंट है आप लिखोगे रोज़गार को बढ़ाया जाए, रोज़गार को बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट लिखोगे शिक्षा का प्रसार किया जाए, शिक्षा का
प्रसार किया जाए। तीसरा पॉइंट लिखोगे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख सकते हो बाल श्रम पर रोक लगाया जाए, बाल विवाह पर रोक लगाया जाए। ये सब क्या है, निर्धनता दूर करने के उपाय हैं। रोजगार को बढ़ाया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए। तो ये सारे क्या, निर्धनता को कम करने के तीन उपाय हैं। रोजगार का साधन ज़्यादा देंगे तो सीधी सी बात है काम मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और वो गरीब नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, मैंने ऐसे पॉइंट में समझा दिया क्योंकि आंसर की इसमें आंसर फोटो नहीं है, तो ये इसका आंसर समझ गए होगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो जो मेन है इसमें, भारत में निर्धनता के कारणों का वर्णन कीजिए, यानी किन कारण से निर्धनता होती है। तो इसका आंसर देखो ये रीज़न है, ये इसका आंसर है निर्धनता के कारण। तो पहला भूमिहीनता, परिवार का बड़ा आकार, ठीक है ना, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, असहायता, बेरोजगारी, निरक्षरता, बाल श्रम, ठीक है। तो देखो निरक्षरता का मतलब होता है शिक्षा की कमी, तो ये सब तो कारण हैं, ठीक है ना, लेकिन आंसर में इसी को पलट दोगे तो निवारण हो जाएगा। निवारण का मतलब होता है उपाय या सुझाव, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि निर्धनता या गरीबी को कम करने के उपाय बताइए या सुझाव दीजिए या निवारण बताइए, तो एक ही बात है, इसी पॉइंट को उल्टा करो। परिवार का बड़ा आकार, तो यहाँ लिखोगे एकल परिवार अपनाया जाए। बेरोजगारी पर लिख सकते हो रोजगार को बढ़ाया जाए। निरक्षरता पर लिख सकते हो शिक्षा का प्रसार किया जाए। बाल श्रम पर लिखोगे बाल श्रम पर रोक लगाया जाए, ठीक है। तो खराब स्वास्थ्य पर लिख सकते हो कि जगह जगह स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की जाए, जैसे अस्पताल, चिकित्सक, ये सब, ठीक है। तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये कारण है, तो इसका उल्टा करेंगे तो निवारण हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाया जाए, ठीक है ना। बहुत सारे पॉइंट हैं, कारण निवारण मेन है, एक क्वेश्चन आना है ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है मेन वो देखो, ये क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। यानी भारत सरकार ने निर्धनता को कम करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए, ठीक है ना, यानी चलाए, अपनाए नहीं चलाए। तो देखो ये इसका आंसर है, इसमें सब नहीं लिखना, ये छः पॉइंट हैं, लेकिन केवल ये ध्यान रखना है। पहला कार्यक्रम क्या था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये कब चलाया गया, 1993 में। दूसरा था ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, 1995 में। तीसरा स्वर्ण जयंती ग्रामोदय योजना। चौथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ये सब रोजगार योजनाएं हैं जिनसे लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला, ठीक है ना, गरीबी दूर करने के लिए। और इसी में नरेगा मनरेगा भी था, ठीक है ना, जो एक प्रकार से अधिनियम चलाया गया था गरीबी को दूर करने के लिए। तो इस चैप्टर में इतना ही मेन है, ठीक है ना, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।